हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और एकदम मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये दोनों भाई बहन खेल रहे हैं एकदम सुबह उठ करके, और बाबू का तो हमेशा से ही 5:30 तक तो उठ जाता है, उस टाइम फीड कर लेता है अच्छे से, उसके बाद अच्छे से खेलने लगता है एकदम आवाज़ हल्ला कर करके, तो सबको बुला लेता है। और मम्मी जी लोग भी 6 बजे ही उठ के आ जाती है, काम वाम करने लगती है, तो मैं भी 6 बजे उठ जाती हूँ, 6:30 तक तो बिल्कुल ही उठ जाती हूँ। और वैसे तो उठी ही रहती हूँ 5:30 से, तो उस टाइम से स्टार्ट हो जाता है। और मेरे जो पापा जी हैं वो सवेरे जाते हैं ऑफिस, मतलब 8:30 तक वो उनको खाना मिल जाना चाहिए, तो इसलिए जल्दी जल्दी बनता है। और हमारे इधर जो खाना, मतलब हमारे घर में जो खाना बनता है ना, वो एक बार में सब कुछ बन जाता है, जैसे चावल दाल सब्ज़ी, ये तो बेसिक है, ये तो दिन में बनना ही बनना है, और रोटी ही बनना ही बनना है, और पूरी भुजिया जैसे मिठी। अब स्कूल आज से ही जाने लगी है, और मतलब अभी ड्रेस वगैरह नहीं ले आया है, अभी ले ही लेंगे, ड्रेस जूता जो भी है सब कुछ ले लेंगे। लेकिन बात करके आए थे ना, तो सर ने बोला कि आज से ही भेज दो, तो मतलब उसके कल से ही मतलब वो जाने लगी है, तो अभी जा रही है। और उसका लुक दिखाऊंगी, ड्रेस वाला भी लुक दिखाऊंगी, अभी वो जाने लगी है। और मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही हूँ सुबह में, अभी फ़िलहाल मिट्टी बाबू के साथ खेल रही है, स्कूल है 9:30 तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, एक तरफ आलू और गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और एक तरफ रोटी बना रही हूँ, फिर चावल और दाल ये सब बाद में भी बनता है, लेकिन सब्ज़ी रोटी भुजिया पूरी ये सब अभी बनेगा। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बाबू का वैक्सीनेशन वाला, क्योंकि आज वैक्सीनेशन है बाबू का, जो 3.5 महीना वाला जो वैक्सीनेशन था वो अभी पड़ रहा है, मतलब कि 5वां मंथ इसका चल रहा है। तो वैसे जैसे 30 तारीख को इसका डेट था ना, तो 30 तारीख से थोड़ा दिन पहले और थोड़ा दिन बाद तक, मतलब 15 दिन बाद तक आप दिला सकते हो, तो इसको एकदम थोड़ा सा लेट ही हो गया। 15 दिन बाद क्या, 14 तारीख को दिया है, तो समझो कि 14 दिन हो गया एक्स्ट्रा, लेकिन चलो सही था, फिर भी टाइम तक मैं दिला गया। और यहाँ पे मैं जो जहाँ हूँ वो सीतामढ़ी कहलाता है, सीतामढ़ी के आसपास गांव में है, तो थोड़ा दूर लगता है जाने में, तो मैं गई थी सीतामढ़ी और वहाँ पे इंजेक्शन दिलाता है प्राइवेट वाला। और बाबू को ये तीसरा वैक्सीनेशन है, थर्ड वैक्सीनेशन है, जो बर्थ के टाइम और उसके एक मंथ बाद लगता है ना, वो शायद इसमें नहीं आता है। तो एक बार सबसे पहले पेनफुल दिलाया गया था, उसके बाद पेनलेस, और उसके बाद ये वाला जो वैक्सीनेशन है ये भी मैंने पेनलेस ही दिलवाया है, क्योंकि एक पेनलेस दिलाया था तो उसमें मुझे पता चल गया था कि क्या सुकून है पेनफुल और पेनलेस में, तो बस यही है, बस सुकून की ही बात है और कुछ नहीं है। जो फ़र्क होता है फ़ायदा घाटा में वो ऐसा कुछ नहीं है खास, बस ये है कि आप अगर बीबी का तकलीफ नहीं देखना चाहते हो, रोना नहीं सुनना चाहते हो, उसका बुखार नहीं देखना चाहते हो, तो बस आप ये पेनलेस दिला सकते हो। बाकी पैसा में बहुत का फ़र्क है, जहाँ वो फ्री में मिलता है वहाँ ये 8,000-9,000 इस तरह से, 7,000 इस तरह से दिलाया जाता है, तो इतना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कितना दिलाता है ये, मतलब 2-4-5 जो भी इंजेक्शन लगता है वही तो लगता है ना, और बहुत मुश्किल होता है उसका पेन झेलना बच्चे का, तो इसलिए मुझे लगता है पेनलेस, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पेनलेस दिलवाना चाहिए। बाकी ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि पेनफुल ही दिलवाओ, क्योंकि पैसा का बहुत ज़्यादा अंतर है और दर्द होता है, तो ये कॉमन है ऐसा वैसा, जो भी हो सबका अपना अपना होता है। मैं बोलूँगी कि पेनफुल वाला भी अच्छा है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा मुझे, मैं थोड़ा वो हूँ, मतलब क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कि बच्चा रो रहा है तो दर्द मुझे हो रहा है इस तरह से। ऐसा नहीं है कि मैं ही एक माँ हूँ, सभी माँ को अपने बच्चे का वो तकलीफ़ ज़्यादा तकलीफ़ लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर दे सकते हैं तो दे देते हैं यही वाला पेनलेस वाला ही। और वही अभी सुबह सुबह का टाइम है, जो कि अभी खाना वाना बन जाएगा, उसके बाद नहाऊँगी रेडी होंगी और उसके बाद जाना है। तो फिलहाल मतलब कि मैं रोटी वगैरह जो भी हुआ बना करके आ गई हूँ मिट्टी को रेडी करने, क्योंकि इसका भी मतलब कि पहले से थोड़ा रेडी हो जाएगी, आज फर्स्ट डे है, ऐसे ही जाएगी। और ये स्कूल जाने के लिए इतना एक्साइटेड रहती है ना, इसको ये नहीं लगता है कि मतलब स्कूल नया होगा, ये बहुत खुश रहती है जाने के लिए।
सो मिट्टी का सब कुछ हो गया और मैं किचन में आ गई हूँ। ये सब्ज़ी बनाई थी मैं, बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा तेल वुल भी नहीं था, बहुत कम तेल था। और उसके बाद मैं नहा करके आ गई हूँ, मिट्टी का सब कुछ हो गया है, खाना हो गया है, नहा वहाँ लिए रेडी हो चुकी है। अब इसको बस स्कूल जाना है और मैं नहा करके आ गई हूँ। और नहा करके मैं डेली साड़ी पहनती हूँ, मतलब एक दो दिन मैं नहीं पहनी हूँ जब मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं लग रहा था। मैं तो ज़्यादातर यही है कि नहा करके साड़ी पहनूँ और उसके बाद शाम में फिर से चेंज कर लेती हूँ खाना बनाने टाइम, क्योंकि खाना बनाने टाइम थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब दिक्कत क्या होता है ना, शाम में ऐसा लगता है कि अभी गर्मी लग रहा है और अब तो कोई आएंगे भी नहीं, और मतलब होता है ना कि ससुराल में थोड़ा साड़ी पहनना ही होता है, आप कितना भी हो। मतलब मेरे यहाँ कुछ भी मना नहीं है कुछ भी पहनने से, मतलब लोअर टी शर्ट पहनो, नाइट ड्रेस पहनो, जो भी पहनो, बस मम्मी जी लोगों को ना नाइटी नहीं अच्छा लगता है, जो नाइट गाउन होता है ना नाइटी, वो नहीं पसंद आता है, मतलब पहनते हुए मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो मैं रेडी हो गई हूँ और निकल चुकी हूँ सीतामढ़ी के लिए, जहाँ मैं बाबू को इंजेक्शन दिलवाने जा रही हूँ। और फोर व्हीलर से नहीं जा रही हूँ, ऑटो से जा रही हूँ। ऑटो भी मतलब बगल में ही है, तो वो भी मतलब कि आप रिजर्व कर सकते हो, जैसे यहाँ से जाओ वहाँ पे जितना देर आपको इंजेक्शन देने में लगेगा उतना देर रहेंगे वो, और फिर साथ में आ जाओ। तो ऑटो से, पता है मुझे फोर व्हीलर में वोमिट कभी कभी हो जाता है क्योंकि मोशन प्रॉब्लम है, पर ऑटो में और बाइक में दो जगह नहीं होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बाइक और ऑटो, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर में रही हूँ, मतलब बिहार में मेरा मायका मुजफ्फरपुर में है, मतलब वैसे तो गाँव में भी है लेकिन स्टार्टिंग से मेरा, एक मिनट बाबू उठ गया। और मैं जाने टाइम वीडियो नहीं ले रही थी क्योंकि सोच रही थी लू नहीं लू, लू नहीं लू, क्योंकि मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था। फिर आने टाइम सोचा कि थोड़ा सा तो लेना ही चाहिए, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि मैं गई थी, कहाँ गई थी, क्या नहीं। और मैं तो पहले से सोच रही थी इंजेक्शन टाइम भी लूँ, लेकिन नहीं ले पाई थी। और आप लोगों ने देखा ना कितना हरा भरा एकदम बहुत अच्छा सीनरी लग रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा सा ली थी। गाँव का थोड़ा अलग होता है खेत खलिहान, जैसे अभी धान का मौसम है तो धान एकदम हरा भरा बहुत सुंदर लग रहा था। सो आने टाइम का वो क्लिप था, फटाक से आ गई अपने घर पर। और आने के बाद उधर से ही नाश्ता वगैरह लेकर के आई थी, बर्गर समोसा वगैरह जो भी था, सो हम लोगों ने खाया। और उसके बाद आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और आज का सुबह से लेकर के शाम तक का जो भी हुआ है मतलब पूरा है, क्योंकि एकदम शाम तक का है, क्योंकि आई थी तो आते मतलब 3 बजे तो गई ही थी और आते आते एकदम शाम हो गया था, मतलब लगभग 5 बज रहा होगा तो अभी मैं आ गई हूँ। और ये देखिए दूध, मैं इसलिए फ्रिज और दूध दिखा रही हूँ कि जब मैं वहाँ का दिखाती थी तो वहाँ का दूध जो था वो पैकेट वाला रहता था, और यहाँ इस तरीके का मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो मतलब गाय भैंस का दूध आता है ना, पैकेट वाला तो आता नहीं है, तो ये वाला दूध ज़्यादा अच्छा होता है।
तो बस हो गया है, चाय बन गया है। और चाय पीने से पहले मैं पानी पीती हूँ, एक घूंट ही पीऊँ लेकिन ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्यास लग गया। और फिर पानी पी करके उसके बाद चाय पीने के लिए बैठ गई हूँ, दोनों सास बहू। और कोई अभी चाय नहीं पीती, मतलब मेरी ननद नहीं पीती और देवर इस टाइम नहीं थे, तो हम लोग अकेले ही पी रहे थे। इसके बाद आए थे देवर, तो फिर उनके लिए मतलब कि निकाली थी। तो बस हम दोनों चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, मेरे पास जो भी रहते हैं वो चुप नहीं रहेंगे, मतलब बोर नहीं हो सकते कोई मेरे पास। मतलब बहुत ज़्यादा बात मैं करती हूँ तो सामने वाले लोग भी करते ही हैं। और ये देवर जी आए हैं तो वही कुछ दे रहे हैं मुझे, मतलब पर्चा दे रहे हैं जो डॉक्टर ने बोला था कि अभी अगले महीने में कौन सा इंजेक्शन लगेगा। और वो मतलब उनका कहना था कि मेरे कार्ड पे, मेरा कार्ड जो है पुराना वाला दे दिया है वो, तो अभी अपडेट हुआ है 2-3 चीज़ें जो कि दिलानी होगी। और बस हो गया, इस तरीके से मेरा पूरा दिन चला गया। और इस टाइम से थोड़ा देर बाबू को खिलाऊंगी, जैसे भी मतलब इसके साथ खेलूंगी, और उसके बाद फिर नाइट का जो भी डिनर होता है उसकी तैयारी होगी। तो बस यही अंतर है मतलब पेनलेस और पेनफुल में। देखो अभी बाबू कितना अच्छा से खेल रहा है, और जब मैं पेनफुल दिला कर आई थी तो थोड़ा सा मतलब मायूस था, थोड़ा सा रो रहा था, थोड़ा सा सुस्त था, थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पेन में है। और उससे ज़्यादा मुझे ही ऐसा लगते रहता है कि अच्छा इसको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, थोड़ा भी रोएगा तो ऐसा लगेगा पेन हो रहा है, और अभी रोएगा भी तो लगेगा नहीं नहीं पेन नहीं हो रहा है। तो यही है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर।